कि ये कैसा होगा और इसका रिजल्ट कैसा होगा, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल ओनली शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू विद यू ऑल गाइस। लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसा होता है एंड कुछ डिफरेंस लगता है या नहीं आफ्टर यूजिंग दिस पील ऑफ मास्क। एंड लेट मी शेयर विद यू कि मैंने आज तक कभी कोई भी पील ऑफ मास्क यूज करके नहीं देखा है, बट फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई दिस वन। सो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है एंड क्या फर्क दिखता है मेरी स्किन पर आफ्टर यूजिंग दिस पील ऑफ मास्क। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, ये कुछ इस तरह की ट्यूब में आता है एंड इसकी जो क्वांटिटी है डेट इज 50 ml एंड इट्स प्राइस इज 799। इट मीन्स 800 इज इट्स प्राइस, बट समटाइम्स यू कैन गेट इट ऑन डिस्काउंट एज वेल। एंड इसके साथ ये आपको देखने मिलेगा कि एक सिलिकॉन काइंड ऑफ ब्रश भी है जो कि नायका का है, एंड आई थिंक इसी ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना है। इट्स सो सॉफ्ट एंड इजिली ये एक लेयर भी बना देगा हमारे फेस पर। सो नाउ मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हाउ टू अप्लाई इट विद दिस सिलिकॉन ब्रश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर उसको पीछे कर लेना है। आप कोई भी हेयर बैंड भी लगा सकते हैं, बट मेरे हेयर बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है कि फेस पर आएंगे। सो अगर आपके हेयर ऐसे फेस पर आते हैं तो आप डेफिनेटली हेयर बैंड यूज करें। और नाउ एक चीज और, इसको यूज करने से पहले मेक श्योर डेट योर फेस इज वेरी मच क्लीन। तो आपको सबसे पहले डस्ट को रिमूव करना है, या तो आप पहले फेस वॉश कर सकते हैं या कोई भी क्लींजर यूज कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज टोनर। सो एनीथिंग व्हाट यू प्रीफर यू जस्ट यूज, बट क्लीन करने के बाद ही आपको ये पील ऑफ मास्क अप्लाई करना है। ओके, बहुत सारा ज्ञान हो गया भाई, अभी करते हैं हम इसको यूज। ओके, नाउ आई एम गोना टेक इट ऑन माय हैंड एंड इट्स पर्पल इन कलर। As you can see, it's so beautiful purple color. As I think इसकी जो भी ट्यूब का कलर होता है वो इसके पील ऑफ मास्क का भी कलर सेम होता है। सो नाउ मैं अप्लाई करने जा रही हूँ उसको। बट आई थिंक इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होगी यार, बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी। सो अभी इतना सारा अमाउंट भी हाफ फेस पर खत्म हो गया है एंड हाफ फेस भी कवर नहीं हुआ है अभी अच्छे से, इतनी सारी क्वांटिटी में भी। और पील ऑफ मास्क का ना कुछ ऐसा फंडा होता है कि अगर आप इसकी बहुत ज्यादा थिन लेयर लगाओगे तो ये इजीली रिमूव नहीं होता है। सो आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट मोर अमाउंट। ओके गाइज, वैसे तो कोई भी मास्क अप्लाई करके बोलते नहीं है ज़्यादा, बट अभी आपको बताना ज़रूरी है। एंड मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर चुकी हूँ इस पील ऑफ मास्क को। नाउ आई हैव टू टेक रेस्ट फॉर 20 to 30 minutes। सो 20-30 मिनट आपको ये अपने फेस पर ऐसे ही लगे रहने देना है एंड इसके बाद आपको इसको जस्ट ऐसे रिमूव कर लेना है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस यू आर नॉट गोना यूज वाटर एनीवेयर, बिकॉज वाटर अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी जो स्टिकनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और ये अच्छे से पील नहीं हो पाएगा। एंड आफ्टर इट भी आप वाटर को थोड़ा सा इग्नोर करें। यू कैन यूज़ योर मॉइस्चराइजर और योर नाइट क्रीम एनीथिंग आफ्टर पीलिंग ऑफ दिस मास्क, बट
डू नॉट यूज वाटर. सो यस नाउ आई हैव टू वेट फॉर 20 to 30 minutes एंड देन आई शो यू द रिजल्ट. ओके जी, सो अभी हो चुके 30 minutes कम्प्लीट एंड नाउ आई एम गोना रिमूव इट. ओके, मैंने ना इसको बिना मिरर के अप्लाई किया था तो हल्का सा इधर मेरे हेयर पे लग गया था, बट मेक श्योर जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो हेयर लाइन पर ना लगे ये बिल्कुल भी, बिकॉज इसको रिमूव करते हुए बहुत पेनफुल होगा ये. ओके गाइज, नाउ आई कैन फील दैट माई फेस इज glowing and tan free after using this peel off mask. But if I share my first time experience of using any peel off mask, then it's a little bit painful from here. And yes, no doubt, is peel off mask ko use karne ke baad my face is dirt free. Jitni bhi dirt thi, jitna bhi dead cells the, dead skin thi, wo sab is peel off mask ne remove kar di hai. बट द थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज कि आप जब भी इसको अप्लाई करें, हेयर पार्ट पर अप्लाई ना करें, इसको ज़रूर स्किप करें. एंड अगर आपके ये बहुत ज़्यादा हेयर है तो उस पर बिल्कुल अप्लाई ना करें, बिकॉज वाइल रिमूविंग इट इट मे बी पेनफुल. एंड ओवरऑल इफ आई शेयर इट्स रिव्यू दैन अ बिग थम्स अप टू दिस पील ऑफ मास्क, बिकॉज इट्स वर्थ इट, रियली इट्स वर्थ इट. एंड बाकी मैंने बस यही बोलना है कि जब भी आप इसको अप्लाई करें बहुत अच्छे से अप्लाई करें एंड थोड़ा सा मोटी लेयर अप्लाई करें सो दैट आप इसको इजीली रिमूव कर पाएं. ओके नाउ इसको रिमूव करने के बाद आपको कोई भी क्रीम यूज करनी है एंड फॉर माय स्किन आई ऑलवेज यूज दिस क्रीम दैट इज बाय ओरिफ्लेम लव नेचर एंड इट्स हाइड्रेटिंग क्रीम फॉर नॉर्मल स्किन एंड माई स्किन इज नॉर्मल. इसको मसाज करूंगी अच्छे से. Okay guys, now my skin is fully prepared and I can feel that softness. मज़ा आ गया इस पील ऑफ मास्क को यूज़ करने के बाद. स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई है. बट ऑफकोर्स आपको इसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजर या अपनी फेवरेट क्रीम ज़रूर यूज़ करनी है. आई होप गाइज यू लव दिस रिव्यू वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बराबर में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना. एंड गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड हो. एंड ये भी बताना कि आप नेक्स्ट टाइम मेरी रिव्यू वीडियो या मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखना पसंद करेंगे या व्लॉग वीडियो देखना पसंद करेंगे, बिकॉज मेरे चैनल पर मैं व्लॉग एंड ब्यूटी से रिलेटेड दोनों ही चीजें, दोनों ही कंटेंट को पोस्ट करती हूँ. सो प्लीज डू कमेंट, जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए. सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.